हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। और आज हम जा रहे हैं राइड पे। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि मैं जल्दी एक नया ब्लॉग लेके आ रहा हूँ, तो आज हम जाएंगे बाइक से बरेली। और दो लोग और जय और मानस दोनों लोग आएंगे अभी बाइक से। मैंने सोचा चलो ब्लॉग ही स्टार्ट कर देते हैं। ये रही अपनी बाइक, धंधों को निकालेंगे, थोड़ा रेडी वेडी करेंगे, इसे साफ सफाई करेंगे यार, इसे अनबॉक्स वो कर दूँ पहले, कपड़े हटा दूँगा इसके। तो ये रही बाइक अपनी, आज जाएंगे बॉबर से हम लोग बाइक राइड पे। तो निकालते हैं बाइक को बाहर। तो बाहर निकाल दिया, अब हेलमेट रेडी करते हैं। मिल गया माउंटेन। तो गाइस हो चुके हैं हम भी रेडी और हमारा हेलमेट भी रेडी हो गया है। लगा दिया इसके आगे माउंट। बाइक खड़ी है अपनी बाहर धूप में, वो बस निकलने के वाले हैं थोड़ी देर में, देखते हैं कैसा ब्लॉग जाता है। ये बल्कि यहाँ पे ये एडजस्ट करना भी बहुत जरूरी है यार। एडजस्ट पता नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा एडजस्ट। लगता है भगवान जी भी हमारे साथ ही हैं। अच्छा मौसम बहुत अच्छा हो गया। देखो एक दोस्त आ गया है अपनी बाइक लेके, वहाँ की ये मेरी बॉबर है और मानस आ रहा है, उसने बहुत लेट कर दिया यार। हेलमेट इसके ऊपर लगा दिया माउंट। थोड़े बहुत शॉर्ट्स ले लेंगे इससे, क्योंकि यार इस पर मुझे ज़्यादा भरोसा नहीं है, क्योंकि फ़ोन टूट भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैं ज़्यादा भरोसा नहीं करता इस माउंट पे। फिर कैमरा वैमरा देखेंगे। मानस भी आ गया यार, वहाँ पे पता नहीं कुछ काम कर रहा है, तो बस निकल रहे हैं यहाँ से हम। अरे यार पेट्रोल भी पड़वाना, तेरे में पेट्रोल पड़ गया, पड़ा हुआ है टंकी? बोले बोले अभी खाली नहीं हुई, अमीर लोग। चलो निकल रहे हैं। तो भाई निकल चुके हैं अब हम अपने घर से। यार पता नहीं वीडियो कैसी बन रही होगी, चलो देखते हैं यार। जब बैठे 3 घंटे बैठेंगे तब देखेंगे कैसी बन रही है वीडियो, क्योंकि यार फ़ोन आगे लगा हुआ है और मैं देख नहीं पा रहा हूँ अपने हेलमेट से कि वीडियो कैसे बन रही है। शायद थोड़ा बहुत एंगल इधर उधर हो रखा होगा। ये आ गया अपना 17-14, कर चुके हैं इसे क्रॉस। अब देखते हैं यार ये लोग ऊपर से जाते हैं नीचे से जाते हैं। अगर नीचे से जाएंगे तो नौवा चौराहा पड़ेगा, अगर ऊपर से जाएंगे तो आसाम चौराहा पड़ेगा, जो कि अब उसका नाम चेंज करके बांसुरी चौराहा रख दिया। ये लोग तो ऊपर से जा रहे हैं, चलो ऊपर से ही चलते हैं। बहुत गया यार इस बहाने बांसुरी चौराहे में, जो इस बहाने बांसुरी चौराहा दिखा रहे हैं, और जो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है फ्लाई ओवर का, वहाँ पे ये फ्लाई ओवर बन रहा है, वो भी कंस्ट्रक्शन के कारण कितना कम्प्लीट हुआ है यहाँ पर। जो भी कहो पीलीभीत पर अब डेवलप हो रहा है हल्के से। वो आ गए हम बांसुरी चौराहा। यार बहुत भीड़ होती है यार यहाँ पे, यहाँ डर लग रहा है कि फ़ोन ना निकल जाए मेरा। रोड तो बहुत ही ख़राब है और पीछे की कार आके कुछ चलना था मेरे फ़ोन को, दोबारा फ़ोन ही नहीं मिलेगा। अपने कैमरे का इंतजाम नहीं कर पा रहा, तो फ़ोन से ही ब्लॉग शूट करना पड़ेगा। ये यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट है, बहुत तेज़ काम चल रहा है, पहले ये सब नहीं था। चलो फाइनली अच्छा, बिल्कुल नवाबगंज क्रॉस कर चुके हैं हम। नवाबगंज में बहुत भीड़ थी यार, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अबे यार अभी टोल भी पड़ने लगा, पता है पीलीभीत से बरेली टोल पड़ने लगा यार बीच में। एक तो साले इतना हैवी रश होता है और साले टोल भी लेंगे, टोल की वजह से बहुत लंबी लाइन लगती है यार टोल में यहाँ पे। मैं वो वापस आते टाइम से खाऊँगा। और गाइस खाली 15 सब्सक्राइबर्स दूर है हम 100 सब्सक्राइबर्स होने में, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे यूट्यूब का एल्गोरिथम आगे पुश करे हमारी वीडियो को। तो वो पुश करता है आगे एल्गोरिथम उसका, इसलिए प्लीज़ आपसे भी रिक्वेस्ट है काइंडली डू सब्सक्राइब द चैनल। लेकिन भाई कुछ भी बहुत मज़ा आ रहा है यार ड्राइव करते हुए। मैं काफ़ी टाइम बाद निकला हूँ लॉन्ग ड्राइव पर, वो भी सोलो राइड पे। उससे पहले तो मैं नाना मद्दक गया था अपासी से, और साथ में कोई बैठा नहीं था पीछे मेरे, तो उतना ज़्यादा मज़ा आया नहीं साथ में, लेकिन इसमें और ज़्यादा मज़ा आ रहा है। बस थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है इंटरकॉम की, कि हम तीनों डिवाइस मतलब हम तीनों लोग एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है। तो मैं एक दोस्त ने तो अपना ऑर्डर कर दिया इंटरकॉम, मैं भी अभी जल्दी में ऑर्डर कर दूँगा। और मौसम भी बहुत सही हो रखा है यार, मुझे लगा था कि गर्मी लगेगी, बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, पसीना पसीना हो जाएंगे, लेकिन ठीक ठाक रहा मौसम, आराम से पहुँच गया। लो भाई बरेली भी आ गया,
यार एक तो साले बरेली में पता नहीं क्या चल रहा है, रोड तोड़ के रखते हैं यार, पूरी रोड टूटी हुई है लेफ्ट साइड वाली, इस साइड में अभी हम चल रहे हैं, पूरी रोड टूट गई है आगे और अभी तक बनी नहीं पाई थी इससे। ये रहा फन सिटी यार, रोड पे पूरा वसी है यार, बाइक चलाने में वही मजा आता है जहाँ रोड बहुत अच्छी होती है। बाइक यहाँ पे खड़ी कर दी है, इसकी बाइक बहुत कोने में खड़ी हुई है जाके यार, आज तो बहुत ज़्यादा भीड़ पर रखी है यहाँ पे, तो पैर रखने की भी जगह नहीं पड़ रही यहाँ पे। भूख लग रही है? अरे अब भूख तो मुझे भी लग रही है भाई, कैसा लग रहा है मानस? अरे यार प्यास लग रही है, पानी पीने का बहुत मन कर रहा है, पानी 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 अंकल जी पानी दे दीजिए, अंकल तो है ही नहीं यहाँ पे यार, पानी मिल गया अंकल जी ने पानी दे दिया, पानी आ गया, पानी पीना है कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहा है? 2500 पे पुग जाएंगे आप इसी बार में यार, 25 का एवरेज है, चक्कर में तो बाइक बाहर नहीं निकालता हूँ यार मैं, मेरा नहीं बना यार, पता नहीं कैसे पेट तो मेरा भी नहीं बना भाई, एक हवा बड़ा ही था, फिर से ऊपर आ गए हम लोग खाने पीने के लिए। What we like to have, we have plenty of item over here. We got beverages, rides, and meal for one, meal for. भाई तू तो मेरा मैनेजर है यार, तू ही देख ले कि जो हमारे बजट में भाई मंगा ले। यार मैं सही बताऊँ, इससे अच्छा तो सारा ढाबे पे खा लो। तो भाई आ चुके हैं वहाँ पर पार्किंग में, वहीं पे बाइक पार्क करी थी। भाई भाई हमने चेकआउट कर दिया यहाँ से, अब चलते हैं बाहर, यह यहाँ का एक्सिट कार का वहाँ से और बाइक वाला यहाँ से। चलो भाई अब चल रहा है वापस अपनी तरफ। तो ये रहा फोटो जिसकी मैं पहले बात कर रहा था नवाबगंज से आटे टाइम, मेरा कोई सेंस ही नहीं है इस बात का यार, यहाँ पे टोल बनाने का, पहली बार रोड ही इतनी बेकार है, ज़्यादा अच्छी रोड भी नहीं है, तो ये टोल बना दिया है। एक कांवड़ यात्रा आ रही है, जय भोले की। ये देखो भाई भीड़ देखो, लाइन देखो यार, हम भी जिस टाइम पे आए उस टाइम पे ट्रेन भी आई है बरेली से, आई थिंक 7:13 हो रहा होगा या 7:15, फाइनली पहुँच गए घर पे। तो ये रहा अपना गाँव चौराहा, जब हम लोग जा रहे थे तो ऊपर से जा रहे थे, तो गाइस फाइनली आ चुके हैं हम घर पे, ये भरी अपनी बाइक पूरी हाँप गई है, मिलते हैं हम जल्दी अगले ब्लॉग में, और आई होप यू एंजॉय दिस ब्लॉग, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, टिल देन टाटा बाय बाय, सी यू सून, बाय।